बारिश के मौसम में अक्सर मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है ऊपर से। अगर बिजली गुल हो जाए तो इन मच्छरों के आतंक से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक गुल रहे तो फिर इसे क्या माना जाए। आपको बता दें कि धार जिले के नालछा ब्लॉक ग्राम भूरी घाटी में बिजली काट दी और उसके साथ ही सैतालीस पूरा की बिजली बंद है, जिसमें वो लोग भी परेशान हो रहे हैं जिन्होंने लगातार बिजली बिल भरे हैं। एक ग्रामीण के मुताबिक पिछले कई दिनों से बिजली गुल हो गई है, जिसके कारण बिजली कटौती है, जिसकी वजह से ग्रामीण जनता मच्छरों के आतंक तथा अंधेरे से परेशान हो रही है, लेकिन इनके सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। बिजली काट जाने से कर्मचारियों को शिकायत करने के बावजूद कोई जिम्मेदारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि ग्लोबल इंडिया टीवी की खबर देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। धार से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या होगा दादा? सर चार दिन से लाइट बंद है, लाइन वहाँ ग्रिड पर जाता है तो वो बोलते हैं कि वहाँ यहाँ भूरी घाटी जाओ, बोले वहाँ आ रहे चार दिन से लाइट नहीं जोड़ रहे, क्या करे जाके वहाँ, रोज दौड़ दौड़ के बगड़ी जाए, रोज दौड़ दौड़ के चार आठ दिन से लाइट बंद पड़ी और जामने से लाइट काट दी। कब इतना तो ध्यान रखना चाहिए, बारिश का दिन है, जानवर कभी घर में घुस जाए तो क्या करेंगे, वही है इसका जवाबदार। क्योंकि वहाँ जाए बगड़ी जाए तो वहाँ से बोले हम आ रहे दो घंटे में लाइट जोड़ देंगे, चार दिन हो गए इसकी वहाँ पे लाइट का कोई पता ही नहीं। तो ऐसे तो बोले हम साल भर किसी को जानवर ने रात में छेड़ दिया तो ऐसे के तैसे हो जाएगी उसकी। तो क्या समस्या दादा? लाइन बंद है कम से कम आठ दिन से, और लाइन तो हाथ से काट को करिए बंद कर को गया है, अभी तक कोई लाइन का पता ना जोड़ते हैं ना किसी का बिल बकाया, तो इनसे वसूल करें ताकि जो परमानेंट जो बिल भरी रहे हमने लोग उनकी लाइन बंद क्यों करें। अच्छा कहाँ से भी लाइन बंद है? लाइन बंद है जामनिया गेट से, अरे जामनिया से। क्या नाम है दादा?